नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CHO भर्ती 2020 की। जी हाँ दोस्तों, वादा किया था विज्ञप्ति में 25,000 प्लस इंसेंटिव देने का, लेकिन मिलेगा मात्र 7,900 रुपये। चिकित्सा विभाग की मनमानी, एक तो कोविड में ड्यूटी, ऊपर से कईयों को नहीं मिला गृह जिला, कैसे होगा गुजारा। जी हाँ दोस्तों, मामला CHO भर्ती 2020 का है। चिकित्सा विभाग ने जब CHO भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जारी की तो इसमें 25,000 प्लस इंसेंटिव देने का वादा किया था, लेकिन जब ज्वाइनिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली तो सिर्फ और सिर्फ 7,900 रुपये मानदेय मिलना यहाँ पर तय किया गया। मामला कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए मानदेय नियमों को राज्य सरकार के चिकित्सा महकमे ने पूरी तरह बदल दिया है। हाल ही में चिकित्सा विभाग ने CHO के 7,810 पदों के लिए करीब 7,753 अभ्यर्थियों की सूची जारी की। केंद्र ने CHO के पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को 25,000 रुपये के साथ इंसेंटिव देने का प्रावधान किया था। राज्य सरकार ने इसे मात्र 7,900 रुपये तक सीमित कर दिया है। इतना ही नहीं, चयनित CHO को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड में ड्यूटी देनी होगी। इस प्रक्रिया में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 60% राशि केंद्र व 40% राशि राज्य सरकार की ओर से वहन। CHO के लिए चयनित कई उम्मीदवारों को उनके गृह जिले भी आवंटित नहीं किए गए। ऐसे में इतने कम मानदेय में उनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होगा। कोरोना के समय प्रदेश अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, लेकिन राजस्थान में अलग ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी चल रही है, अब CHO के इतने कम मानदेय को देखते हुए उम्मीदवार ज्वाइनिंग देने से पीछे हट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब विज्ञप्ति जारी की तो इसमें 25,000 प्लस इंसेंटिव देने का वादा किया, और जब ज्वाइनिंग लिस्ट निकाली तो 7,900 रुपये। 3 दिन में करना होगा ज्वाइन, नहीं तो पात्रता खत्म। 10 मई को जारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण निदेशालय NHM की ओर से जारी परिपत्र के दूसरे बिंदु के अनुसार इन चयनितों को जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन रखा गया है। सभी चयनितों को आदेश जारी होने के 3 दिन बाद संबंधित जिले में अपनी ज्वाइनिंग देनी है। साल 2019 में शुरू हुई भर्ती मई 2021 में हुई पूरी। CHO की भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई। शुरुआत में 2,310 पदों के लिए 35,000 ने आवेदन किया। ब्यूरोक्रेट्स के बीच हुए विवाद के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को मात्र एक दिन पहले निरस्त किया गया। इसके बाद में नए सिरे से 31 अगस्त 2020 को विज्ञप्ति जारी की, पद कम किए थे इसलिए इनका विरोध हुआ। कई विवादों में रही CHO भर्ती प्रक्रिया। इससे पहले लंबे समय तक CHO की भर्ती प्रक्रिया लंबी चल रही थी। करीब 2 साल के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा हुआ है। इसमें भी राज्य सरकार की ओर से काफ़ी कमियां छोड़ दी है। बाद में 7,810 पदों के लिए भर्ती शुरू हुई जो अब जाकर पूरी हुई। मैं बता दूं, जो भरत बेनीवाल हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में भी नर्स श्रेणी द्वितीय व UTP को करीब 25,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बावजूद राज्य का चिकित्सा महकमा चयनित CHO को मात्र 7,900 रुपये मानदेय दे रहा है। इतनी कम राशि में दूसरे जिले में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वादा 25,000 प्लस इंसेंटिव कर किया था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा विभाग ने ज्वाइनिंग लिस्ट में 7,900 रुपये देना बताया। मैं बता दूं, इसके लिए संघ पूरा प्रयासरत है, जल्द ही आपको जो है 25,000 रुपये का यहाँ पर लाभ दिलाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।